साथियों, चाहे गरीबों के घर का निर्माण हो, शौचालय का निर्माण हो, एलपीजी गैस कनेक्शन हो, हर घर बिजली कनेक्शन हो, गरीबों को मुफ्त इलाज हो, हर परिवार का बैंक खाता हो, इन तमाम योजनाओं के केंद्र में आज गरीब है, सामान्य जन है। और ये गरीब कौन है, ये कहां का है, इसका रंग कैसा है, रूप कैसा है, जाति कौन सी है, वर्ग कौन सा है, संप्रदाय कौन सा है, ये हमारे लिए अहम नहीं है। हमारे लिए वो मां भारती की संतान है, भारत का नागरिक है। हमारे लिए वो हमारा किसान है, हमारा आदिवासी है, वंचित है, शोषित है, ये हमारा परिवार है, हमारे परिवार का अटूट हिस्सा है। यही भावना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की थी, संत तुकाराम और संत शांताजी महाराज की थी। भाई और बहनों, देश के सामान्य मानवी का सशक्तिकरण हम कैसे कर रहे हैं, उसका एक उदाहरण भी आपको देता हूं। साथियों, किसानों के लिए पहले जो योजनाएं बनती थी उसमें तुरंत की जरूरतों पर ही ध्यान दिया जाता था। इस वजह से उन योजनाओं का व्यापक और दूरगामी लाभ नहीं पहुंच पाता था। हमने इस स्थिति को बदलने का गंभीर प्रयास किया है। हमने किसानों की समस्याओं को उनके संपूर्ण समाधान के लिए कदम उठाए हैं। सिंचाई से लेकर कमाई तक का एक बड़े विजन पर काम किया जा रहा है। सिंचाई के क्षेत्र में विदर्भ में, भंडारा गोंदिया में कितना काम हुआ है, इससे आपसे ज्यादा भला कौन जानता है। आप इस बात से भली भांति परिचित हैं। आप सभी तो साक्षी रहे हैं, ये घोसी खुर्द डैम का काम कितने दशकों से अटका हुआ था, लेकिन आज ये डैम भी बन चुका है और भंडारा के साथ साथ नागपुर और चंद्रपुर जिलों के किसान परिवार को भी लाभ पहुंचा रहा है।